जोत्स मनोवैज्ञानिक। एशियन हेड नेक फाउंडेशन से मुझे ये मौका मिला है बोलने का रोहतक में। थैंक यू सो मच सर जो मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया गया है। हम ये पूरा मंथ तंबाकू के अवेयरनेस पे कर रहे हैं, जिसमें एडिक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो लोगों को एडिक्टेड तो बहुत इजीली हो जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को, नशा को छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो उसी विषय में मैं आज आपसे बात करूंगी कि आप अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को किस तरह से कंट्रोल में करके उसे इस पेशन को और ये आदतों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगी। जो स्टेप बाय स्टेप है, आप चाहो तो लिख भी सकते हैं उसे। तो हमारा जो माइंड है वो बहुत पर्टिकुलर होता है, जिसमें मैंने ये बहुत सारे केसेस देखे हैं जो 30-40 साल से वो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, बट अचानक से उनको ऐसा लगता है फैमिली का प्रेशर आने से कि हमें इस चीज़ से छुटकारा पाना है, बट वो छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह से आप 30-40 साल से आप जिस चीज़ को आप सेवन कर रहे हो, अचानक से अगर बोलो कि आपको उस एडिक्शन से आपको बाहर निकलना है, तो माइंड को टाइम लगता है। एक दिन में या दो दिन में ये एडिक्शन हमें खत्म नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत इजी स्टेप मैं आपको बताती हूँ। पहले तो अपने आपके माइंड को एक सेटल कर दो, माइंड सेट कर दो कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। उसका दूसरा स्टेप होगा कि आपके थॉट्स हैं जब भी आप सेवन कर रहे हो, जैसे दिन में अगर तंबाकू 20 बार ले रहे हो या 10 बार ले रहे हो, तो आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसको 8 बार पे आएंगे, 6 बार पे आएंगे। इसी तरह से आप कंटिन्यूटी डेली बेसिस पे आपका रूटीन बना लीजिए और इस रूटीन को 21 दिन तक ना फॉलो कीजिए। हाँ, सपोज आपके फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं जो आपको ये भी बोलेंगे कि हाँ कल से शुरू कर देना, परसों से शुरू कर देना। अगर इस तरह का कोई माहौल है तो उस माहौल में जाने के लिए अवॉइड करना शुरू कर देना, क्योंकि ये टास्क आपके लिए, आपके परिवार के लिए और सबके लिए है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे ये तंबाकू से सेवन से बाहर निकलना है, उस दिन आप टोटली 20-22 दिन में आप अपने आदत, जो आपने हैबिट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, उससे आप बाहर निकल जाओ और बहुत ईजी वे से। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, अचानक से अगर आप कोई चीज़ छोड़ देते हो तो आपको एंजाइटी हो जाएगी या नींद नहीं आएगी, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जो आपके फिजिकल लेवल पे आपको दिखना है। तो ये सब माइंड का काम है। तो माइंड को बहुत ईजी वे से आप यूज़ कीजिए। ऐसे नहीं है कि आज हमने डिसाइड कर लिया है कि आज ही हमें छोड़ना है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपका नुकसान है, फैमिली भी उससे परेशान है। वापस से रीस्टार्ट कर दिया तो आपको जिंदगी भर तक आप इस सेवन से छुटकारा नहीं पा सकते हो। तंबाकू से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7069445500 या हमारे सोशल मीडिया पेज एशियन हेड एंड नेक कैंसर को फॉलो करें।